रेस करके बता दें ओईआर से आप क्या समझते हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज और लाइसेंसिंग क्या है। आप अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जी झारखंड से बीनू विनीता जी। हाँ जी बीनू जी बताइए। OER से मतलब दे कैन एक्सेस इट, इट इज ओपन टू ऑल। जो जी रिसोर्स को हाँ सही जो बताया हाँ बीनू मैम, इट इज ओपन फॉर ऑल। और मतलब नेक्स्ट जो रिसोर्स यूज करना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो, उसके लिए पे करना नहीं पड़ेगा। हाँ ओके। और कोई बताना चाहता है? पब्लिकली अवेलेबल टीचिंग मटेरियल। ओके ओनली टीचिंग मटेरियल। पब्लिकली हाँ पब्लिकली टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल। अच्छा ओके ठीक है। और कोई? मैं डाउनलोड द मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यूज देम। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठीक है। और जितने भी हम लोग कंटेंट्स देखते हैं बेसिकली उसमें बहुत सारे हाँ कॉपीराइट, थोड़ा जोर से बोले। जितने भी कंटेंट्स हम लोग कहीं भी देखते हैं उसमें बहुत सारे बेसिकली कॉपीराइट्स इश्यूज होते हैं। तो जी वैसा चीज जो कि फ्री कॉमन क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस हो वो OER की श्रेणी में आता है, ओपन रिसोर्स की श्रेणी में आता है। हाँ लाइसेंसिंग और ओईआर दो अलग अलग चीज हैं। आपने सही बताया, लाइसेंसिंग के बारे में आपने सही बताया, लेकिन अभी हम बस ये पूछ रहे थे कि ओईआर से आप क्या समझते हैं। बाकी आपने जो डेफिनेशन दी है वो लाइसेंसिंग की है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाइसेंसिंग हर कंटेंट की जो भी है वो होती है, और वो ऑथर डिसाइड करता है कि क्या लाइसेंस रखना है जो भी उसने कंटेंट क्रिएट किया है। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर मैम करती हूँ आपके साथ। OER स्टैंड्स फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्स एंड दीज आर फ्रीली एक्सेसिबल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च। जी जी बिल्कुल सही। मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर करा है, तो थैंक यू आपके रिस्पॉन्सेस के लिए। जैसे कि आप सभी ने डेफिनेशन बताई है, आपने जितना भी इसका मीनिंग बताया ओईआर को वो बिल्कुल सही बताया कि ओईआर आर द रिसोर्सेज विच आर फ्रीली अवेलेबल। नोडल वाले के लिए बात कर लेते फाइनल लोग ना, काफी है अक्टूबर माइक अपना प्लीज बंद कर दें। जितनी भी रिसोर्सेज ओपनली अवेलेबल है, जिन्हें यूजर यूज कर सकता है फॉर टीचिंग लर्निंग पर्पस, उन्हें हम ओईआर कहते हैं। और ओईआर की एक डेफिनेशन जो ओईसीडी की तरफ से वो हमने यहाँ शेयर की है आपके साथ, दैट ओईआर आर डिजिटाइज मटेरियल ऑफर्ड फ्रीली एंड ओपनली फॉर एजुकेटर्स स्टूडेंट्स एंड सेल्फ लर्नर्स टू यूज एंड रीयूज फॉर टीचिंग लर्निंग एंड याद रिसर्च। म्यूट कर देना जिसका भी। तो ओईआर जो है वो डिजिटाइज मटेरियल है जो कि ओपनली एंड फ्रीली अवेलेबल होता है हर उस पर्सन के लिए जो कि एजुकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो हमारे सपोज हम लोग अगर टीचर हैं, तो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी रिसोर्सेज हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है, हम उन्हें अवेल कर सकते हैं, उनको रीयूज भी कर सकते हैं। बट रीयूज करने से पहले हमको लाइसेंसिंग पॉलिसी चेक करनी होती है, जैसे कि सर ने अभी लाइसेंसिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन यूनेस्को की यहाँ हमने शेयर की आपके साथ, दैट वी आर एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी इन द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ओईआर जो होता है इट प्रमोट्स एक्सेस एंड इक्विटी एंड क्वालिटी। तो जितनी भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनको अगर आप ऐसे, तो अगर आप नेट खोलते हैं और कोई भी चीज आप सर्च करते हैं जो कि ओपनली अवेलेबल है, तो हम उसको, हमें लगता है कि ये हमारे यूजफुल है हमारे लिए और हम उसको ले लेते हैं। बट उसे यूज करने से पहले हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्या
वो पर्पस सॉल्व करती है जिसके लिए आप उसे लेना चाह रहे हैं, जिस चीज में आप जिस भी अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसे यूज करना चाहते हैं उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है, या इट हैज दैट क्वालिटी दैट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर कंटेंट इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल अच्छा है, अप टू डेट है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो आप जो है जितनी भी मिल रही है वो सारी आप यूज कर लें। उनको देखने के लिए, उनको यूज करने के लिए भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ेगा। तो व्हाट ओईआर इंक्लूड्स, ओईआर क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर हम बात कर रहे हैं, कि वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ओईआर, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम उसे यूज करते हैं, तो ओईआर में होता क्या क्या है? ओईआर इट इंक्लूड्स वर्चुअल लैब्स, वर्चुअल लैब्स इससे पहले अगर आपने सेशन अटेंड किया है कॉन्शियसली, तो आपने देखा, आपने उसमें सुना होगा कि मैम ने जो है वर्टिकल्स के बारे में बताया है जो दीक्षा पे अवेलेबल है, और दीक्षा में एक वर्टिकल जो है वो वर्चुअल लैब का भी है। वर्चुअल लैब्स में हमारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मैथ्स के हैं, इंग्लिश के हैं, साइंस के हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको जो यूजर है वो यूज कर सकता है, और उसको बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो फील होता है। यानी कि जैसे कि एक बच्चा क्लास में एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे ही वो वर्चुअल लैब्स में जाके दीक्षा में जो वर्टिकल है वो उस एक्सपेरिमेंट को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो वर्चुअल लैब से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट जो है अवेलेबल है ओईआर के अंडर, इंटरैक्टिव वीडियोस हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हैं। जब भी आप कोई, अगर अपने लिए कोई लेक्चर प्रिपेयर करते हैं या कोई पेपर लिखना चाहते हैं, या सपोज आप कोई किताब लिख रहे हैं, तो आप बहुत सारी रिसोर्सेज को रेफर करते हैं। तो हर रिसोर्स को आपको लगता है भाई ये भी काम किए, जो आपने एक गूगल में एक टर्म डाली और नंबर ऑफ पेजेस जो है उस पर बेस्ड आ गए, लेकिन उनको यूज करने से पहले आपको ये देखना है कि इसकी लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं और लेक्चर्स की, लेक्चर्स में हो चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो ऑडियो हो, या जर्नल के आर्टिकल्स हो, कुछ व्हाट एवर इट इज, यू हैव टू चेक वेदर इट इज ओपन फॉर ऑल, और व्हाट इज द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेंट। ठीक है, इसके बाद ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस के कुछ यहाँ पे टाइप्स हमने शेयर किए हुए हैं, और कुछ हमने हाइपरलिंक्स यहाँ पे दे रखे हैं। ओपन रिपोजिटरी के लिंक्स हैं, आप देख सकते हैं, ओपन रिपोजिटरीज के लिंक्स यहाँ दे रखे हैं हमने, ओपन इमेजेस के यानी कि जो ओपनली अवेलेबल है, ओपन पब्लिशिंग के, तो आपके साथ हम ये पीपीटी शेयर कर देंगे, तब आप इन सारे लिंक्स को ओपन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज पे काम कर रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पे लोगोस हैं और उनके नाम हैं, जैसे कि स्वयं है, स्वयं पोर्टल की बात सुबह भी हमने की थी, और आप सब फेमिलियर होंगे कि इसमें मूक्स कोर्सेज रन किए जाते हैं तो स्वयं प्लेटफॉर्म पे, तो स्वयं ओईआर पे काम करता है, एनपीटेल है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओईआर पे काम करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है ये ओईआर पे काम करती है। यानी कि इसमें जब आप इन वेबसाइट्स को खोल के देखेंगे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी रिसोर्सेज होंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं। शोध गंगा का नाम आपने सुना होगा, ये एक रिपोजिटरी है जिसमें के रिसर्चेज, आपको नंबर ऑफ रिसर्चेज जो है वो आप उन्हें देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं या रिसर्च आर्टिकल आप लिखना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा लिटरेचर का, तो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आप शोध गंगा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आईआईटी खड़गपुर की जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, उसका एक सिंबल है, इट ऑल्सो वर्क ऑन ओईआर, और ये कुछ ओईआर की सर्च टूल्स है। ओईआर अगर आपको सर्च करना है
तो उसके टूल्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं हमने, ये मैं आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ, बस लिंक्स आपके रेफरेंस के लिए है, आपको जब पीपीटी मिल जाएगी तब आप इनको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि ओईआर को आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे इंटेग्रेट करते हैं। ओईआर अवेलेबल तो है, आप उन्हें रेफर भी कर रहे हैं, बट उनको आपको कैसे इंटीग्रेशन करना है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पीपीटी में तो हमने लिखी रखा है, लेकिन आप तो सब एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो मैं आपका कोई जो तजुर्बा है वो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। ओईआरएस को आप जैसे हायर सेकेंडरी में और सीनियर सेकेंडरी में तो हम कर ही सकते हैं, जरूरत रहती है करने की। तो कभी आपने इंटीग्रेट किया अपने टीचिंग लर्निंग में? वर्चुअल हैंड आप अपना रेज करके बता सकते हैं हमें। आप लोग यूजुअली, अब पता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो टेक्स्ट बुक को रेफर करता है, बट टेक्स्ट बुक तो एक मेन रिसोर्स हो गई पढ़ाने की, उसके अलावा भी जो है रेफरेंस मटेरियल बच्चों को देना पड़ता है, और रेफरेंस के लिए वेबसाइट्स बतानी पड़ती हैं कि आप वहां से चेक कर सकते हैं, या एडिशनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आप बच्चों के साथ जरूर शेयर करते होंगे। तो कभी आपने ओईआर को इंटीग्रेट किया है? कोई शेयर करना चाहेगा? आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। जैसे कई बार वर्कशीट वगैरह जो प्री डिजाइंड होते हैं बच्चों को देने के लिए, वो वहाँ से डाउनलोड करके और वो प्रिंट करके बच्चों को एक्सरसाइज कराने के लिए OER का इस्तेमाल कर। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये एक तरीका हुआ। और कोई कुछ और शेयर करना चाह रहा है? हाँ भी हम लोग जो दिखाते हैं वो भी उसी का प्रूफ है। जी सर, जैसे कोई वीडियोज हम दिखाते हैं अपने हाँ कंटेंट हाँ तो वो भी OER के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि तो हाँ उसको लेकिन वो अपलोड आपको पहले कंफर्म करना है कि करना वो ओपन है, रिसोर्स जो है वो ओपन होगा। है। हाँ हाँ, गुड। जी, कि वो मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, दूसरे का है, तो उससे देख लेना पड़ता है कि वो हाँ जी ऑथराइज है कि नहीं यूज करने के लिए। जी 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 हाँ बिल्कुल सही। फिर सस्मिता सिंह जी कुछ कहना चाह रही हैं झारखंड से। जोहार, सभी लोगों को जोहार मैम। अपने वीडियोस में मैंने कुछ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर कुछ मैंने म्यूजिक का यूज किया था। जो वीडियोस मैंने बनाए थे बच्चों के लिए जी उनमें मैंने कुछ म्यूजिक का यूज किया था, और कुछ एनसीईआरटी से भी कुछ मेरे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के लिए थे जी स्लाइड्स, जी उनको पीपीटी के रूप में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के वीडियो में मैंने यूज किया था, जो ओके कि मैम, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं, जिनकी पॉलिसी मैंने पढ़ी थी और मैंने उन्हें यूज हाँ किया था अपने वीडियोस में। हाँ जी मैम। अच्छा, वो आपका क्रिएट किया है और आपने उसको लाइसेंसिंग भी दी है। नहीं मैम, मैंने उन चीजों को यूज किया था अपने वीडियोस हाँ, में। मतलब आपने रीयूज करा और यस मैम। एक एक नया नई चीज जो क्रिएट करी आपने, एक अच्छी यस एक मैम। नई पीपीटी बना ली कुछ यस मैम। रिसोर्सेस को लेकर, और आपने यस मैम। अपनी रिसोर्स को जो आपने क्रिएट किया उसमें आपने लाइसेंसिंग भी दे ली, यही कहना चाह रही है ना? यस मैम। और मैंने उसमें लिख दिया था, चूंकि मैं किसी को फुली यूज नहीं कर सकती, कुछ हाँ हाँ उनके बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जी 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 तो मैंने उन वीडियोस में मैंने उन्हें क्रेडिट्स दिया था कि आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दिस दिस बिल्कुल सोर्स, तो मैंने उन्हें क्रेडिट ठीक है मैम, ठीक है। इसके हाँ लिए। हाँ तो ये आपने जो एग्जांपल दिए सही दिए, और जैसे कि मैम ने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेस को लेकर एक नई रिसोर्स क्रिएट करी और उसको भी लाइसेंसिंग आपने दे दी। तो सेम चीज हमने देखी यहाँ पे भी लिखी है हमने पीपीटी पे, कि जो भी या तो कोर्स मटेरियल हमने लिखा है, बट कोई भी रिसोर्स जो टीचर बना रहा है और उसे कस्टमाइज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। आप अपनी क्लास में, आपको पता है कि आपके बच्चों की क्या टीचिंग लर्निंग नीड्स हैं, क्योंकि आप टीचर हैं, आप डेली उनके साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरीके से अच्छे तरीके से जो एक पर्टिकुलर चीज जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझ सकता है। हमें उनकी नीड्स का पता होता है, एजुकेशनल नीड्स का, तो हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट को
कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने एग्जांपल दिया, उन्होंने एक पीपीटी बनाई, उन्होंने ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल को जो है वो रीयूज करा, रिवाइज करा और फिर रिटेन करा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ओईआर का। और अगर मैम इसको डाल देते हैं दूसरे बच्चों के लिए यूज, किसी भी अपने वेब पेज पर डाल देते हैं, सपोज इनका कोई ब्लॉग है उस पर अगर डाल देते हैं और ये ओपन कर देती हैं सबके लिए, तो वो रिसोर्स औरों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, औरों के लिए भी लाभदायक हो सकती है। तो इस तरीके से जो है हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस को टीचिंग लर्निंग में यूज कर सकते हैं। अब कोई भी जो भी OER है उसको हम रीयूज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रीमिक्स करेंगे। इनमें से किसी भी वर्ड का अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप बता दीजिएगा। रीयूज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रीमिक्स करेंगे और रिटेन कर लेंगे। फिर जरूरत पड़ी तो फिर रीयूज करेंगे, रिवाइज करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो ये बहुत अच्छा है मैम। हाँ 8R 8R से हम लोग इसको। जी, हाँ जी सर। बट ये सारे काम जब हम कर रहे हैं, रिसोर्स बना रहे हैं, OER को यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, रीमिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा करने में कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी ऑब्वियसली आते हैं, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं बिना चैलेंजेस के तो वो कंप्लीट होता नहीं है। तो चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे एक्सक्यूज मी पहला मैम, चैलेंज, हाँ जी एक्सक्यूज, मैं दीपक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैम। जो जी सर, गवर्नमेंट पोर्टल है NCERT का, SCERT का, और भी गवर्नमेंट पोर्टल जो है, जी वो उसमें से कुछ पिक्चर्स या वीडियो ले सकते हैं क्या? क्या उसे भी लाइसेंस है, हाँ सर, उसको कॉपीराइट चेक आएगा? करना पड़ेगा। अगर लाइसेंसिंग पॉलिसी उनकी है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऐसे तो NCERT, हम जी और मैंने पिछली बार देखा था NCERT पोर्टल पे कुछ लिंक्स है जिन जिनमें ओपन सोर्स मटेरियल रखा हुआ है जी ना? वो ले सकते हैं ना? वो ले सकते हैं सर, अगर वो ओपन है तो आप ले सकते हैं। जी। जी सर, मैम एक क्वेश्चन हाँ, मैंने हेलो। पूछे। थैंक यू हाँ, मैडम। तो हम बात कर रहे थे हेलो चैलेंजेस। हेलो मैडम मैडम हेलो जी हेलो जी 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 सर, आप कहाँ से हैं यस, सर? गोवा गोवा से मैडम विनोद मलिक बोल रहा हूँ, गोवा से। मैडम, व्हेन यू सेड यू नो दैट ओआर इज दैट देयर फ्रीली, सम ऑफ देम इज फ्रीली अवेलेबल, बट व्हेन वी टेक देम इज इट नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू मेंशन हुज इट इज? इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन। वी हैव टू मेंशन दैट हुज इट इज। सपोज वी आर आई एम टेकिंग वन पर्टिकुलर पिक्चर, ओके, व्हिच हाँ इज अवेलेबल इन ओपन ओईआर, ओके, वन ऑफ द जी, प्लेटफॉर्म। सो एंड इट इज लाइसेंस फ्री, सो आई हैव टू मेंशन ऑन माय स्लाइड दैट हुज पिक्चर दैट आई यूज। हाँ, फर्स्टली यू हैव टू गिव द क्रेडिट फ्रॉम वेयर यू हैव यस अडॉप्टेड यस दैट पर्टिकुलर करेक्ट कंटेंट, एंड सेकेंडली यू ऑल्सो हैव टू मेंशन द लाइसेंस। द यूजर हैज टू चेक द लाइसेंसिंग ऑल्सो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट विच ही और शी वॉन्ट्स टू यूज। बट देयर आर सम साइट्स विच प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू टेक द कॉन्टेंट एज ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। देयर आर सम वेबसाइट्स हु प्रोवाइड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑल्सो। तो एंड फॉर दोज वेबसाइट वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द लिंक्स हियर। फॉर सम वेबसाइट, नॉट फॉर ऑल, यू कैन चेक दोज वेबसाइट्स ऑल्सो। एम आई क्लियर सर? एम आई क्लियर? ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द चैलेंजेस ऑफ यूजिंग ओईआर। चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे कि हम क्या-क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं अगर हम ओईआर यूज कर रहे हैं। तो पहला चैलेंज तो यही हो गया क्वालिटी का और एक्यूरेसी का, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि कोई भी कंटेंट अगर आप उठा रहे हैं, कोई रिसोर्स अगर आप ले रहे हैं, तो आपको उस रिसोर्स की क्वालिटी को इंश्योर करना है कि वो आप जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं उस पर्पस को वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। और क्वालिटी को चेक करने के लिए भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। एक्यूरेसी को आपको देखना है, और दूसरा जो चीज है वो ये है कि आपको ये देखना है कि आप अगर ओपन एजुकेशन रिसोर्स कहीं से ले रहे हैं तो आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज और कल्चरल व्यूज मे बी अ बैरियर टू यूज, ये एक हो सकता है।
आप अगर ओईआर उठा रहे हैं तो आप ये देखिए कि किस कहाँ पे आपको यूज करना है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। या लैंग्वेज से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई रिसोर्स यूज करी है तो उसकी लैंग्वेज कैसी है। लैंग्वेज से समझ रहे हैं आप, लैंग्वेज से मतलब है कि भाई हम एजुकेशन की फील्ड में उस पर्टिकुलर रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं तो लैंग्वेज डिसेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, और जिस लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं उसी लैंग्वेज में वो अवेलेबल होनी चाहिए, और कल्चरल व्यूज को ध्यान में रखते हुए हमें रिसोर्सेज अडॉप्ट करनी है या अडॉप्ट करनी है। एंड द नेक्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड इंटरेक्टिव डिस्कशन मे बी हिंडर सम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। इसके बाद ओईआर इनिशिएटिव्स बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो काम कर रहे हैं ओईआरस पे वो है, ये सब हमने डिस्कस किया था। ई पाठशाला, दीक्षा, इस पे मतलब ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जितने भी इनिशिएटिव्स हैं इन सब में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है। निष्ठा, स्वयं, ये पीएम ई विद्या का इनिशिएटिव जो हमारे पास है, आईसीटी करिकुलम, इसके बाद ये दीक्षा का जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। दीक्षा का होम पेज हमने दिखाया और हम यहाँ पे ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि दीक्षा पे कितनी तरह का कंटेंट है। इसमें टीचर्स रिसोर्सेज हैं, क्विजेज हैं, लेसन प्लान्स हैं, इमेजेस हैं, एक्टिविटीज हैं, असेसमेंट है, इंटरेक्टिव गेम्स एटसेट्रा। और दीक्षा भी कंटेंट जो है अभी प्रेजेंटली इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस में है, और टोटल 38 लैंग्वेजेस में कंटेंट अवेलेबल है। तो 35 राज्यों ने दीक्षा को एडॉप्ट कर लिया है, यानी कि 35 राज्य जो है अनबोर्डेड है दीक्षा पे, और दीक्षा पे 6,000 से ज्यादा, 6,600 से ज्यादा जो है टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है। 316 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस हैं, 3700 से ज्यादा लर्निंग मिनट्स हैं, और 2200 से ज्यादा जो है पेज हिट्स हैं सिंस 1 अप्रैल 2020। तो ये एक डेटा है दीक्षा का। अब इस इमेज में आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कोई मिलती है और आप उसे यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज करेंगे। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से, हम यही बात कर रहे थे कि जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ओपनली अवेलेबल है, हम अगर कुछ सर्च करते हैं किसी रिसोर्स को तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये वर्क जो अवेलेबल है क्या ये कॉपीराइटेड है। कॉपीराइट का सिंबल हम सबको पता है कि कैसा दिखता है, सर्किल के अंदर छोटा सा सी लिखा होता है, तो अगर वो लिखा है तो हम समझ जाते हैं कि ये कंटेंट जो है वो कॉपीराइटेड है। आप ये देख रहे होंगे सेकंड कॉलम में कॉपीराइट का सिंबल दिया गया है। उसके बाद हमको ये देखना है कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं इस रिसोर्स को या नहीं, या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप कर लेंगे, अगर नहीं कर सकते तो हमको ये देखना है कि हम इस रिसोर्स का यूज फेयरली करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में बस ये हम बता रहे हैं कि अगर कोई रिसोर्स हमको दिखती है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स हमको रेलेवेंट नजर आती है, तो उसको यूज करने से पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। हमें उसकी कॉपीराइट का ध्यान रखना है, हमें उसकी लाइसेंसिंग का ध्यान रखना है,
और हमको ये भी ध्यान में रखना है कि क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है। अगर उसमें उस रिसोर्स में ऑथर ने ये परमिशन नहीं दी कि आप उसे रीयूज कर सकते हैं तो, और लेकिन आप उसे करना चाहते हैं तो आपको ऑथर की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि ऑथर का कंसेंट जो है वो आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ये टर्म तो आपने सुनी होगी, ये आप मुझे बताइए इससे आप क्या समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब मैडम, अगर आपने कोई भी कंटेंट क्रिएट किया हो डिजिटली हो, वो बाद में वीडियो का हो सकता है, ऑडियो का हो सकता है, अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू अगर उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है तो वो आपका कॉपीराइट बनता है। और अगर कोई भी आपका कंटेंट इस्तेमाल करता है तो उसके लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर वो रॉयल्टी अगर उसको पे करने की है तो IPRS के एक्ट के तहत आपको रॉयल्टी भी पे करना पड़ता है। तो IPRS आपको फुली कवर करता है कि आपकी जो भी एक्टिविटी है, आपका जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां आपका जो क्रिएशन है वो फुली फुली सिक्योर्ड हो। अगर आपका कंटेंट कोई भी उठाता है तो वो आपको नोटिफाई किया जाएगा और आपकी उसकी जो रॉयल्टी है वो आपको पे की जाएगी, अगर आप रॉयल्टी लेना चाहते हो तो। अगर ओपन सोर्स रखा है तो कोई भी उठा लेगा, पर अगर आपका कोई क्रिएटिव कंटेंट है तो आपका वो फुली प्रोटेक्टेड रहेगा IPRS के थ्रू। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डेफिनेशन सर ने जो बताई है, मुझे उम्मीद है सबने सुनी होगी और सर ने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं इसको और थोड़ा सा आसान तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ आपकी। जैसे यहाँ पे हमने घर की फिगर दे रखी है, हम सबके जो मकान है वो हमारे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब जो हमारी संपत्ति है, सबकी प्रॉपर्टीज पे सबका राइट है ना। लेकिन वो प्रॉपर्टी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, आपका घर है, आपके बाग है, आपके खेत है, वो सब आपकी प्रॉपर्टी है, उसे कोई नहीं ले सकता क्योंकि उस पे आपका राइट है। और राइट कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपने उसके पक्के पेपर्स बनवा रखे हैं, आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी तरीके से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो सारी वो प्रॉपर्टी है जो इंटेलेक्चुअली आपने क्रिएट करी है, ठीक है। और इंटेलेक्चुअली क्रिएटेड प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? उसमें आपके रिसर्चेस आ सकती हैं, उसमें आपके बुक्स आ सकती हैं, उसमें आपके ट्रेडमार्क्स आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है, मतलब सिंपल सिंपली मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। इसके बाद इसकी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किया है कि कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट क्या होते हैं। तो कॉपीराइट का जैसे कि हमने बताया, कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप अगर उसको कॉपीराइट कर देते हैं, यानी कि उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कोई और आपकी परमिशन के बिना उसे यूज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कॉपीराइटेड है। अब जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी, आपकी परमिशन नहीं होगी, कोई उसको यूज नहीं कर सकेगा। और कॉपीराइटेड कंटेंट पे सिर्फ ओरिजिनल ऑथर का, ओरिजिनल क्रिएटर जो है उसी का राइट होता है, उसी की प्रिविलेज होती है कि वो अपने कंटेंट को, अपने रिसोर्स को रिप्रोड्यूस करे या रिप्लीकेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्या क्या हो सकता है कॉपीराइटेड कंटेंट। नॉवेल्स हो सकते हैं, पोएम्स हो सकती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर आपका की हम जो बात कर रहे थे। प्लेज हो सकते हैं, फिल्म्स हो सकती है, म्यूजिकल वर्क हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेंटिंग्स होती है, बड़े बड़े ऑथर्स बनाते हैं, वो पेंटिंग बना के उसके नीचे छोटा सा इनिशियल जो है वो छोड़ देते हैं। आपने नोट की होगी ये बात, वो इनिशियल जो है उस ऑथर का जो है वो साइन होता है, और उसका ये मतलब होता है कि ये उसका क्रिएशन है, उसे अब कोई नकल नहीं कर सकता,
इसी तरह फोटोग्राफ्स पे भी हो सकता होता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन जो होते हैं उन पे भी जो है, जो आर्किटेक्ट है जिसने भी वो डिजाइन किया है उसका किसी ना किसी फॉर्म पे जो है कॉपीराइटेड वो होंगे डिजाइन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगली प्रोटेक्टिव राइट्स ऑन एनी इंटेंजिबल एसेट्स ओन बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो अभी तक हम यही बात करते हैं, ये लीगली प्रोटेक्टिव राइट्स होते हैं किसी भी इंटेंजिबल एसेट पे। इंटेंजिबल एसेट तो आप समझते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने कोई सॉन्ग लिखा, ठीक है, वैसे तो वो हम सॉन्ग लिख रहे हैं तो पेपर पे हम लिखेंगे लिखेंगे, बट अगर वो म्यूजिकल फॉर्म में आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंटेंजिबल है। और नेक्स्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड टेंजिबल एसेट्स ऑल्सो और ओरिजिनल वर्क, जैसे कि ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ये सब जो है टेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू सम मोर एग्जांपल्स। ये कुछ और एग्जांपल्स है ओरिजिनल वर्क के, इसको आप एक बार बस देख लीजिए, मैं रीड नहीं कर रही कि ओरिजिनल वर्क जिसको कॉपीराइट कर सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये सिर्फ हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बुक्स है, पैम्फलेट्स है, पीरियोडिकल्स है, लेक्चर्स है, सर्मन्स है, और ड्रामा है, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस है। दीज आर सम अदर एग्जाम्पल्स, ओरिजिनल ऑर्नामेंटल डिजाइन, मॉडल्स, इलस्ट्रेशंस, मैप्स, चार्ट्स है, ड्राइंग, प्लास्टिक वर्क और साइंटिफिक और टेक्निकल कैरेक्टर, फोटोग्राफिक वर्क है, पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन एटसेट्रा। तो जिन चीजों पे हमने कॉपीराइट लिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब कितनी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो अभी हमने बात कर रहे थे हम लोग कॉपीराइट्स की। कॉपीराइट जैसे कि हमने बताया किसी पर्सन का, जैसे कि आपने कोई चीज क्रिएट करी, आपने कुछ लिखा, आप क्या जो है उसपे कॉपीराइट हो गया, ठीक है। इट इज अ पर्सन्स ओनरशिप राइट टू ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। इसी तरीके से आप या कोई भी ट्रेडमार्क भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेडमार्क्स क्या होता है, आपने देखा ही होगा, जैसे कोई भी स्पेशल सिंबल अगर आपने करा, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो लोगोज बनाती हैं, है ना। लोगोज अगर बनाए हैं आपने तो वो क्या है, स्पेशल सिंबल है उस, अब उस लोगो को कोई और यूज नहीं कर सकता, तो उस लोगों का क्या है, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। कोई अगर डिजाइन आपने क्रिएट किया, जैसे डिजाइनर्स होते हैं ना, उनका कोई पर्टिकुलर डिजाइन है, अब उसे कोई आप कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो उस पर्टिकुलर डिजाइन का जो ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस है। ट्रेडमार्क सिंबल्स का लिया जा सकता है, डिजाइन का लिया जा सकता है, किसी भी कंपनी के नेम का लिया जा सकता है। जैसे कि बड़े बड़े बोर्ड आप देखते हैं कंपनीज के लिखे हुए होते हैं, तो वहां पे एक छोटा सा सर्किल के अंदर लिखा होता है TM, यानी कि उनका ट्रेडमार्क है। इसी तरीके से जो है पेटेंट्स होते हैं, ये भी एक तरह का, ये एक एग्जाम्पल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का। पेटेंट्स ऑफिशियल राइट्स हो सकते हैं, ओनली पर्सन टू मेक यूज और सेल अ प्रोडक्ट और एन इन्वेंशन फॉर डॉक्यूमेंट दैट शो दिस इज योर राइट। ये मैं ऐसे जल्दी से मैंने पढ़ दिया है। पेटेंट्स होते हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट का जो है वो पेटेंट करवा सकते हैं, और इसका एक लीगल प्रोसीजर होता है पेटेंट करवाने का। तो ये सारी चीजें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आती हैं, और इनका एक डिफरेंस बस बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो दिस स्लाइड इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी ऑन 12th May 2016।
यूनियन कैबिनेट ने जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की पॉलिसी अप्रूव की थी वो 12 मई 2016 में की गई की थी और उसका यह एक लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो कॉपीराइटेड वर्क को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो भी वर्क कॉपीराइट है, अगर आप किसी का कॉपीराइटेड वर्क यूज कर रहे हैं तो आप उसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसका फेयर यूज होना चाहिए। फेयर यूज से क्या समझते हैं? फेयर यूज से क्या समझते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि अगर कॉपीराइटेड का हम फेयर यूज कर रहे हैं, सॉरी कॉपीराइटेड वर्क का हम फेयर यूज कर रहे हैं तो उससे क्या मतलब है? नॉन कमर्शियल हो या फिर उसका कोई चीज ना हो। थोड़ा क्लियर नहीं है आवाज, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा सर। फेयर यूज का मतलब कि उसका किसी चीज का कॉपीराइट है तो हम उस चीज को अपने नाम से हम पब्लिश नहीं करेंगे। अगर हमें हाँ कहीं यूज भी जी करना है तो जी उसके जी नाम को लेकर हम यूज करेंगे। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फेयर यूज का एक एग्जांपल ये भी, जैसे कि सर ने बताया कि जिसका भी कंटेंट आप ले रहे हैं, जिसकी भी रिसोर्स आप ले रहे हैं, उस ऑथर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसके नाम को तो क्रेडिट देना ही देना है क्योंकि ये उसका काम है, अगले आदमी का काम है, हमारा नहीं है। ठीक है, और उस रिसोर्स को जिसको भी आप, हेलो जो भी कॉपीराइटेड रिसोर्स आप हेलो यूज कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट सर, उसको लेके आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, नहीं कमाना है आपको, आपको उसे एजुकेशनल पर्पस में ही यूज करना है। हाँ जी सर बताइए। और जिस जो भी हम बात कर रहे थे हेलो ओपन, हेलो यस सर बताइए। जी मैम, जैसा कि हम कंटेंट यूज कर रहे हैं हमारे लिए तो उसका समाज में सकारात्मक और उन्नति के लिए उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही हम बता रहे हैं कि इसी पर्पस के लिए हमको लेना है कि उससे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके लिए भी हमने वो रिसोर्स लिए हैं, उनको यूज, उनके लिए बेनिफिट हो। और दूसरा ये कि हमें कोई भी पैसा कमाने के लिए पर्पस हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं तो एजुकेशन के फील्ड में उसका फेयर यूज होना चाहिए। फिर ओपन एजुकेशन रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो बात आती है पब्लिक डोमेन की। तो अभी पब्लिक डोमेन क्या है? पब्लिक डोमेन से क्या समझते हैं आप? पब्लिक डोमेन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, इसका जी मतलब यही है कि वो सारी रिसोर्सेज जो है वो आप अवेल कर सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। और पब्लिक, आप अगर देखेंगे ना, बहुत गाड़ी सारे, जब अभी हम आगे बताते हैं पब्लिक डोमेन में भी आप कैसे देख सकते हैं रिसोर्सेस। पब्लिक डोमेन में जो रिसोर्सेज होती हैं उसमें उनको आपको कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप उसे ऑथर को क्रेडिट देते हैं। सपोज मैंने कोई रिसोर्स क्रिएट की, मैंने एक तो उसे कॉपीराइट करा दिया और मैंने उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब कोई और इसे यूज नहीं करेगा। बस उसे देख तो सकता है, उसे बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसे रीयूज कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने उसी रिसोर्स को पब्लिक डोमेन का लाइसेंस देके डाल दिया है नेट पे, इट मींस कि वो बिल्कुल ओपन हो गई है और उसमें जो भी पर्सन उस रिसोर्स को रीयूज कर रहा है उसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो क्रेडिट दे या ना दे। वो क्रेडिट ना भी दे तो भी चलेगा क्योंकि मेरी रिसोर्स पब्लिक डोमेन में आ गई है। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन का डिस्कशन करने का यहाँ यही पर्पज है कि ये क्लियर हम आपको कर सकें कि अगर कोई रिसोर्स पब्लिक डोमेन में है तो उसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि किसी जो ओरिजिनल ऑथर है उसको क्रेडिट दिया जाए। नाउ कम टू द लाइसेंसेस। अभी लाइसेंसेस क्या है ये थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे के बीच में। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में कुछ है क्या। हाँ हाँ जी ठीक है, वंदना मैम ने लिखा है, ठीक है। तो
अभी जब हम डिस्कशन कर रहे थे ओईआर का, तो एक सर, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट उन्होंने लाइसेंसेस के बारे में बताया था और बिल्कुल सही बताया था। तो लाइसेंसेस क्या है? लाइसेंसेस आर द परमिशंस गिवन बाय द कॉपीराइट होल्डर फॉर देयर कंटेंट। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि हमने कोई रिसोर्स बताई बनाई और उसको हमने कॉपीराइट कर दिया, और कॉपीराइट करने के बाद जो है लाइसेंसिंग पॉलिसी भी उसकी डिफाइन कर दी। लाइसेंसिंग पॉलिसी भी अलग अलग तरह की है, जो भी हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम लाइसेंसिंग हम ओपन रख रहे हैं या लाइसेंसिंग हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो लाइसेंसिंग पे हम डिस्कशन अभी करते हैं। लाइसेंसिंग को अगर आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो आपको विजिट कर आप करिएगा creativecommons.org की वेबसाइट पे। उस पे जितने भी लाइसेंसेस हैं सब बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए गए हैं, और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस को ही कोई भी ऑथर जो है, कोई भी ओनर ओनर जो है, वो अपनी रिसोर्स में अप्लाई कर सकता है। तो चार तरह के जो है लाइसेंसेस हैं जिनके कॉम्बिनेशन को लेकर हम और लाइसेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चार तरह के लाइसेंसेस कौन से हैं? सबसे पहला है बाय, जिसमें कि एट्रीब्यूशन देना ही देना होता है। फिर है एनसी, एनसी यानी नॉन कमर्शियल। ये अगर लाइसेंसिंग आपने दी है तो रिसोर्स का कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते। फिर है नेक्स्ट है नॉन डेरिवेटिव वर्क, और उसके बाद है शेयर अलाइक। शेयर अलाइक द लाइसेंस मस्ट बी द सेम ऑन एनी डेरिवेटिव वर्क। तो शेयर अलाइक का मतलब है कि आप उस रिसोर्स को, अगर किसी भी रिसोर्स पे शेयर अलाइक का लाइसेंसिंग है तो इसका मतलब है कि आप उसे शेयर कर सकते हैं। इसको अभी और डिटेल में हम करते हैं डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड में। और एक यहाँ पे नोट नीचे लिखा हुआ है, देखिए द एनडी एंड एसए कंपोनेंट कैन नॉट बी कंबाइंड। जब भी आप इन चार लाइसेंसेस के कॉम्बिनेशन को लेकर नया लाइसेंस बना रहे हैं तो उसमें एनडी और एसए को साथ नहीं रखना है, यानी कि नॉन डेरिवेटिव को और शेयर अलाइक को साथ नहीं रखना है। ये इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन किस किस का बनेगा ये हम देखते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव कॉमन यानी कि सीसी बाय, ये जो है सबसे ज्यादा लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसी है। अगर आप इसको पढ़े, द लाइसेंसेस अलाउ री यूजर टू डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स, अडैप्ट एंड बिल्ड अपॉन द मटेरियल इन एनी मीडियम और फॉर्मेट सो लॉन्ग एज एट्रीब्यूशन इज गिवन टू द क्रिएटर। तो सबसे ज्यादा लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो सीसी बाय है। अगर ये किसी, आप इसका सिंबल भी इधर देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे सिंबल हमने बनाया है कि इस तरह का सिंबल आपको दिखेगा अगर सीसी बाय का लाइसेंस है, और इसमें जो रीयूजर है वो रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, रिमिक्स कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है और नया रिसोर्स नए मीडियम में क्रिएट कर सकता है। तो ये लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सीसी बाय एसए, ठीक है? बाय हमने बताया एट्रीब्यूशन, और एसए का मतलब हुआ शेयर अलाइक। इस लाइसेंसिंग में द लाइसेंस दिस लाइसेंस अलाउज रीयूजर टू डिस्ट्रीब्यूट, रीमिक्स, अडैप्ट एंड बिल्ड अपॉन द मटेरियल इन एनी मीडियम और फॉर्मेट सो लॉन्ग एज एट्रीब्यूशन इज गिवन टू द क्रिएटर। इस लाइसेंसिंग के अंडर जो है रीयूजर जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट, रीमिक्स, अडैप्ट और नया कंटेंट बना सकता है, लेकिन जो क्रिएटर है उसको एट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा, यानी जो क्रिएटर है उसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब कि वो लाइसेंसिंग पॉलिसी को एडहेयर नहीं कर रहा है और वो उसको गलत काम कर रहा है, क्योंकि उसने लाइसेंसिंग को फॉलो नहीं करा है। तो सीसी बाय एसए का सिंबल आप ये देख रहे हैं राइट हैंड साइड में नीचे, हमने जो सबके सिंबल्स भी लगा रखे हैं, सीसी का सिंबल है, बाय का ये आप ह्यूमन की फॉर्म में देखेंगे, और शेयर अलाइक का ये एक
एरो है जो बिल्कुल रिवर्ट हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सीसी बाय एनसी। सीसी बाय एनसी का मतलब है एनसी स्टैंड्स फॉर नॉन कमर्शियल। दिस लाइसेंस अलाउ री यूजर टू डिस्ट्रीब्यूट रीमिक्स अडेप्ट एंड बिल्ड अपॉन द मटेरियल इन एनी मीडियम और फॉर्मेट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज ओनली। यानी कि जो री यूजर है वो रिसोर्स को रीमिक्स कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है और किसी भी मीडियम में उसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए, उसे कमर्शियली यूज नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि रिसोर्स एक अपने रिसोर्स को हम अडेप्ट करेंगे, रीमिक्स करेंगे, नए मीडियम में लेकर भी आएंगे, लेकिन उसका पर्पज ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम उसे कॉमर्शियली यूज करें। उसे नॉन कॉमर्शियल पर्पज के लिए ही यूज करना है और जो क्रिएटर है उसको क्रेडिट देना जरूरी है और कॉमर्शियली उस रिसोर्स को यूज नहीं करना। देन द नेक्स्ट, अभी हम कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको चार टाइप के लाइसेंस बताए थे, फिर अब हम उसके बाद कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है हमारा, ये सीसी बाय एनसीएसए, यानी के सीसी हो गया क्रिएटिव कॉमन, बाय हो गया एट्रीब्यूट, एनसी स्टैंड्स फॉर नॉन कमर्शियल एंड एसए स्टैंड्स फॉर शेयर अलाइक। इस लाइसेंस के अंडर द रीयूजर टू रीडिस्ट्रीब्यूट रीमिक्स अडेप्ट and build upon the material in any medium of format for non-commercial purpose only and only so long as attribution is given to the creator। ये सारे लाइसेंसेज में जा रहा है कि एट्रीब्यूशन जो है क्रिएटर को देना ही देना है। If you remix, adapt or build upon the material, you must license the modified material under identical terms। अगर आपने रिसोर्स को रिमिक्स कर दिया है, अडेप्ट कर दिया है और एक नया लाइसेंस आप उसको दे रहे हैं, तो लाइसेंस जो है वो आइडेंटिकल टर्म्स में ही होना चाहिए। आइडेंटिकल टर्म्स का मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस लाइसेंस है उस रिसोर्स का, उससे मिलता जुलता ही, उसे बिल्कुल सेम लाइसेंस ही आपको अपनी मॉडिफाइड रिसोर्स का भी रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, इजी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि आपने कोई रिसोर्स उठाई सीसी बाय एनसीएसए की और उसको आपने जो है रिमिक्स किया, अडेप्ट भी कर दिया आपने, उसको एक नई रिसोर्स का फॉर्म दे दिया, लेकिन अब जो रिसोर्स आपने बनाई है दोबारा से उसकी भी तो लाइसेंसिंग देनी पड़ेगी, तो वो लाइसेंसिंग बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए जो कि प्रीवियस रिसोर्स की थी। यदि आपने कोई नई रिसोर्स बनाई तो आप उसकी लाइसेंसिंग ही बदल देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसका सिंबल भी आप देखिए, सीसी नीचे हमने ये राइट हैंड साइड में लिखा है, बाय एनसी का ये है एस बना है क्रॉस करके और शेयर अलाइक का एक रिवर्ट एरो है। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीसी बाय एनडी। एनडी स्टैंड्स फॉर नॉन डेरिवेटिव। नॉन डेरिवेटिव का मतलब यह है कि एक रिसोर्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे है वैसे ही आपको यूज करनी है। तो दिस लाइसेंस अलाउ री यूजर टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल इन एनी मीडियम ऑफ फॉर्मेट इन अनअडेप्टेड फॉर्म ओनली। यानी कि जिस रिसोर्स का लाइसेंस है सीसी बाय एनडी, उस रिसोर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अडेप्ट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो जैसी है उसी तरीके से आपको जो है यूज करना है और आपको हाँ ऑब्वियसली द क्रेडिट शुड बी गिवन टू द क्रिएटर। नीचे हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अगर आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एनडी का सिंबल है इज इक्वल टू का, एनडी लिखने का तरीका जो है वो है इज इक्वल टू का सर्कल के अंदर,
और इसका मतलब है नॉन डेरिवेटिव और अडेप्टेशन ऑफ द वर्क आर परमिटेड। अगर कहीं भी कोई आपको डाउट है, क्लियर नहीं हो रही है कोई चीज, तो आप अभी इस डिस्कशन के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीसी बाय एनसीएनडी। एनसी स्टैंड फॉर नॉन कमर्शियल यूज, एंड एनडी मीन्स नो डेरिवेटिव और अडेप्टेशन ऑफ द वर्क आर परमिटेड, यानी कि इसको आप बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, अडेप्ट नहीं कर सकते। एंड दिस लाइसेंस अलाउ यूजर टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द मटीरियल इन एनी मीडियम और फॉर्मैट इन अनअडेप्टेड फॉर्म ओनली फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज ओनली एंड ओनली सो लॉन्ग एज एट्रीब्यूशन इज गिवन टू द क्रिएटर। यानी कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लाइसेंस है, इसमें रीयूजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकता है कंटेंट को, यानी आप उस कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स को आप उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो बनाया हुआ है उसमें आप बिल्कुल कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई अडेप्टेशन आप नहीं कर सकते और कोई उसका कमर्शियल यूज आप नहीं कर सकते। तो ये मोस्ट स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी है सीसी बाय एनसीएनडी। इसके बाद जो अभी हमने डिस्कस किया था एक स्लाइड पब्लिक डोमेन की, और उसमें हमने बताया था कि जो कंटेंट है वो कॉपीराइटेड अगर है भी तो उसमें जो यूजर है वो उसके ऊपर बिल्कुल ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ऑथर को क्रेडिट दे, यानी कि वो पब्लिक डोमेन में आप उसे बिना क्रेडिट दिए भी यूज कर सकते हैं। और पब्लिक डोमेन का सिंबल है ये CCO, आप देख रहे हैं ये CCO, अगर ये सिंबल भी आपको कहीं दिखता है तो आप ये समझ जाए कि ये पब्लिक डोमेन की रिसोर्स है। ओके, CCO इज अ पब्लिक डेडिकेशन टूल विच अलाउ क्रिएटर टू गिव अप देयर कॉपीराइट एंड पुट देयर वर्क इनटू द वर्ल्ड वाइड पब्लिक डोमेन। CCO अलाउज यू रीयूजर टू रीडिस्ट्रीब्यूट रीमिक्स अडैप्ट एंड बिल्ड अपॉन द मटेरियल इन एनी मीडियम, यानी कि बहुत ही लिबरल है ये, इसमें आप यूज कर सकते हैं, रीयूजर जो है रिसोर्स को रीयूज कर सकता है और क्रेडिट ना भी दे तो भी चलेगा। तो एक जो है यहाँ पे रिसोर्स का हमने एक लिंक यहाँ पे दिया गया था ताकि आपको हम दिखा सके कि पब्लिक डोमेन में कैसे दिखती है रिसोर्स। हाँ ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मैं जूम करती हूँ, ये देखिए जो लाइसेंसिंग आ रही है ना, जब मैंने वो इमेज खोली विकिपीडिया से तो ये लाइसेंसिंग का यहाँ पे ऑप्शन आया और इसमें कॉपीराइट नहीं है बिल्कुल, इधर लिखा है एज अ वर्क ऑफ द US फेडरल गवर्नमेंट इट इज इन द पब्लिक डोमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये रिसोर्स है, इट इज अवेलेबल अंडर पब्लिक डोमेन, तो ये इमेज को भी अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, तो यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एट्रीब्यूट एनी वन। और ये देखिए यहाँ पे भी लिखा CCO लाइसेंस, लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है क्रिएटिव कॉमन्स CCO लाइसेंस, CCO लाइसेंस इज फॉर पब्लिक डोमेन। तो ये एक स्लाइड में हमने बिल्कुल प्रिसाइज कर दिया है कि कितनी तरह के लाइसेंसेस हैं और उनके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप ये देखिए सी को जो क्रॉस किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये पब्लिक डोमेन का सिंबल है, सीसी बाय का सिंबल ये है ह्यूमन का, और ये सीसी बाय एसए ये सिंबल्स के साथ है ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है,
इनको आप एक बार ध्यान से देख लें। इसके बाद ये क्रिएटिव कॉमन के प्लेटफॉर्म्स हमने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, फ्लिकर है, बैंड कैंप है, विकिपीडिया है, यूट्यूब एटसेट्रा। ये पीपीटी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, इसमें जितने भी लिंक्स हैं उनको आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ कि आपके कुछ क्वेरीज हैं। नहीं, इसमें तो एट्रीब्यूशन का जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण सर ने पूछा है कि इज देयर नीड टू एट्रीब्यूट सीसी को। अगर आपकी रिसोर्स आप पब्लिक डोमेन पर डालना चाहते हैं सर, जो आपने क्रिएट करी है, तो आपको सीसी को लाइसेंसिंग देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको, अभी हम बात कर रहे थे कि रिसोर्स पे लाइसेंसिंग देनी है ना, तो इसके लिए अगर आप लाइसेंस अपनी रिसोर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको विजिट करना होगा creativecommons.org पे। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी शेयर करके जल्दी से। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है। हाँ, ये अगर आप देखेंगे, आप गूगल पर डालिएगा सिंपल creativecommons.org। आप देख रहे होंगे नेविगेटर में मैंने लिख रखा है ये creativecommons.org। इस पर क्लिक आप करेंगे और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सीसी और इसमें जितने भी लाइसेंसेस हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और आप कैसे अप्लाई करेंगे ये भी इसमें बताया गया है। हाउ टू अप्लाई अ सीसी लाइसेंसिंग और सीसी और डू योर वर्क। तो आप इस वाली वेबसाइट को एक्सप्लोर कर ले, ताकि आप लाइसेंसिंग को अच्छे से समझ सके और कैसे लाइसेंसिंग अप्लाई करनी है ये आप जान सके। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो आप पूछ सकते हैं। झारखंड से अजय सर, अजय कुमार जी, आपने हैंड रेस किया है सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अजय यस सर मैम, अनम्यूट हैं। यस मैम, हेलो। हाँ मैम, आप सुन जी पा रहे सर हैं? पूछिए। जी, मैम मैं जानना चाह रहा था कि जैसे जब हम कोई कंटेंट बना रहे हैं, उसमें जैसे कई कभी हमने नेचुरल सीन या कभी कुछ ने कल्चरल, आपकी आवाज रुक रही है सर। मैम हाँ बताइए, फिर से बताइए सर। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं, अगर उसमें कुछ नेचुरल साइट्स वगैरह का जो पिक्चर है वो अपलोड करते हैं, या कोई ऐसा आर्ट कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स है उसका सेल्फ कैमरा से वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो उसमें भी कभी कभी आता है कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड, द ऑनर अलाउज टू कंटेंट टू बी यूज ऑन योर यूट्यूब, तो ये उसको कैसे दूर कर सकते हैं हम? आपके बनाए हुए कंटेंट पे, आपके बनाए हुए वीडियो पे कह रहे हैं आप, जी मैम, आता है लिख के जब जी आप मैम, डालते हैं तो। जी मैम, जी मैम, ये हो सकता है सर कि सेम उसी तरह का वीडियो कोई ना कोई कहीं ना कहीं अवेलेबल हो, इसलिए वो इस तरह का मैसेज आता हो, नहीं जैसे खुद अगर मैं लेकिन शूट कंटेंट में तो किया डिफरेंस होगा जरूर। हाँ हो, हाँ हाँ खुद जी सर से जी, मैंने उसको शूट किया नहीं हो, उसका रीजन हो सकता है सर। जी, तो तो उसके लिए क्या ये करना चाहिए? सर, वो आपका देखिए ऐसा था, वो अक्सर हो सकता है कि सपोज आपने कोई वीडियो शूट करा है और सिमिलर जगह का, किसी पर्टिकुलर जगह का अगर आपने किया है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का किया है, तो वैसा ही वीडियो कोई ऑलरेडी अवेलेबल हो जो कॉपीराइटेड हो, इस वजह से ऐसा मैसेज आ सकता है। क्योंकि
मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. हम लोग जो रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में क्या होता है कि हमें प्लेजरिज्म चेक करना होता है कि हमने कहीं से किसी का कोई कंटेंट उठाया तो नहीं है, कॉपी तो नहीं करा है ना. आपने नाम सुना भी होगा प्लेजरिज्म का. यस मैम. तो जब हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं हमारा वो ओरिजिनल वर्क होता है लेकिन फिर भी वो प्लेजरिज्म दिखाता है. वो क्यों दिखाता है? वो इसलिए दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई सेंटेंस, हमारा कोई वर्ड किसी ना किसी रिसर्च से मैच करता ही करता है. जी हालांकि लिखा हमने, हमारा काम है, लेकिन वो प्लेजराइज दिखाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो ये नेट है, इतना बड़ा सागर है, ये कहीं ना कहीं किसी चीज से मैच कर जाता है और वो प्लेजराइज दिखा देता है. तो सेम वही केस जो है वो आपके साथ भी हो सकता है कि आपका ओरिजिनल वीडियो है लेकिन किसी ने बहुत पहले वैसे ही कुछ सेम लोकेशन पे या सेम वीडियो या सेम टॉपिक पे बनाया हो तो इसलिए वो दिखाता हो. लेकिन डिफरेंस तो है क्योंकि वो पहले किया गया काम है और आपका भी ये रीसेंट वर्क है. आपका डिवाइस डिफरेंट है, आपका डेट ऑफ क्रिएशन डिफरेंट है और ऑथर जो है वो भी डिफरेंट है. जी तो आप अपनी लाइसेंसिंग को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं सर, और किस डोमेन में आपको रखना है वो भी आप, क्योंकि आप ओरिजिनल ऑथर हो, आप उसे कर सकते हैं. नहीं, अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो उसे कोई इश्यू तो नहीं है? ये मैसेज आपको कहाँ पे प्राप्त हुआ सर? वेबसाइट पे जब आप ये लाइसेंसिंग क्रिएट कर रहे थे तब? वो मेल में यूट्यूब पे मैसेज आया, यूट्यूब पे कॉपीराइट का मैसेज आया और वो वही मैसेज मेल पे भी आया, वो दिखा। तो वो YouTube ने, हाँ YouTube पे, क्योंकि ऑलरेडी वो सेम चीज कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी तो वो मैसेज आपको YouTube का जो डिटेक्टर है उसकी तरफ से आया होगा. हाँ तो आप ये डाल सकते हैं सर YouTube पे, तो ये बहुत हेलो कॉमन है. हाँ जी सर. हेलो मैम। हाँ, ये बहुत बार तब होता है जब आप कोई शूटिंग कर रहे हो और उसके पीछे कोई गाना बज रहा हो, या अगर आप आपने किसी आपके एनुअल सोशल गैदरिंग में अगर कोई आपका गाना चल रहा है उसमें अगर आपने कोई ट्रैक इस्तेमाल किया हुआ हो तो उस ट्रैक को नोटिफाई करता है यूट्यूब और आपका बाद में ये जो कॉपीराइट का इश्यू जो है वहां पे आ जाता है। तब आपको वो जो भी गाना जो तो भी है वो आपको मेरे म्यूट साथ करना भी पड़ता है। ऐसा एक बार हुआ था. एक हमने सही बात है, सही बात है ये। हाँ वीडियो में अगर कोई हम जी गाना सर. ऐसा लोड करते हैं जो कॉपीराइट है तो उसका मैसेज आता है मैम? नहीं, उस वक्त आपको तो वो YouTube पे गाना बहुत नहीं कॉमन है बताएगा, लेकिन क्योंकि कोई चीज YouTube ऐसा। तो आपको पता ही है कि हर तरह का कंटेंट है और उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत स्ट्रांग है. तो YouTube पे आपको इस तरह का मैसेज आ सकता है लेकिन आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं सर YouTube पे. और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने और आपके सवाल हैं वो प्लीज चैट बॉक्स पर लिख दें या ग्रुप में डाल दें क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमें स्टार्ट करना है. सॉरी, आपकी क्वेरीज को हम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे. तो आप प्लीज अपने सवाल जो है चैट बॉक्स में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर लें. और नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन का थीम हमारा है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग विद एन एम्फेसिस ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग.